नमस्कार, आज आपका अन्नपूर्णा चैनल में फिर से स्वागत है। आज मैं आपको भरवा करेले बनाने की रेसिपी बताऊंगी। ये देखिएगा, भरवा करेले के लिए मैंने ये 500 ग्राम करेले मीडियम साइज के लिए रखे हैं। और भरवा करेले बनाने के लिए मीडियम साइज के करेले ठीक रहते, बहुत ज़्यादा बड़े अच्छे नहीं लगते हैं। ये देखिएगा, इस तरीके से आप मीडियम साइज एकदम ग्रीन ग्रीन हो रहे हैं ऐसे आप लीजिएगा और इनको इस तरीके से कट करके आप 2 घंटे के लिए नमक लगा के रख दिए। ये देखिए, बीज इसका सॉफ्ट हो रहा है। अगर सॉफ्ट है तो आप अंदर का ये कुछ भी मत निकालिएगा और ऐसे रख दीजिए। अगर जिसका बीज टाइट है तो आप उसके बीज को निकाल दीजिए। और वैसे तो लोग भरमा करेले बनाते हैं पर ये पार्ट जो है उसको छील लेते हैं, सारा प्रोटीन तो इन्हीं में ही होता है तो उनको निकाल देते, तो मैं नहीं निकालती हूँ, इसी तरीके से बनाती हूँ। और करेले मेरे कभी कड़वे भी नहीं होते हैं, तो आप भी इस तरीके से बनाइएगा। ये देखिए, कट करके 2 घंटे के लिए नमक लगा के आप रख दीजिएगा। ये देखिए, मैंने इसके बीज थोड़े से टाइट हो रहे हैं तो हम इस तरीके से इनको हाथ से ऐसे निकाल देंगे, इजीली निकल जाते हैं। ये देखिए, इनको आप निकाल दीजिएगा। और जिसका बीज सॉफ्ट है उसको मत निकालिएगा। करेला मैंने ये बीज से कट कर लिए, जिनके बीज टाइट थे उनको मैंने बीज निकाल दिए हैं और जिनके टाइट नहीं थे उनको मैंने ऐसे ही रखा हुआ है, जिनके सॉफ्ट है उनको ऐसे ही रखा हुआ है। ये देखिएगा, जिनके टाइट थे उनको मैंने निकाल दिया है और इनको ये देखिए, ये 2 घंटे के लिए हम इनको ये नमक लेके इस तरीके से आप डालिएगा इनके ऊपर और इनको अच्छे से ऐसे मिक्स करके और इनको कवर करके 2 घंटे के। देखिएगा, करेला जो मैंने नमक लगा के 2 घंटे के लिए रखे थे उनको मैंने फ्रेश वाटर से अच्छे से धो लिया है और 2 बार पानी से आप धोइएगा जो इनका थोड़ा सा कड़वापन निकल जाएगा। ये देखिएगा, ये मैंने 2 कच्ची आमी ले रखी हैं, इनको मैंने चॉप कर रखा है। ये मैंने 2 प्याज ले रखे हैं, इनको मैंने चॉप कर रखा है। और ये नमक ले रखा है, ये सौंफ ले रखी है, थोड़ी सी दरदरी ही अच्छी लगती वो मैंने दरदरी ही ग्राइंड करी है। और ये हल्दी पाउडर है और ये धनिया पाउडर है। ये मैंने 2 हरी मिर्च कट कर रखी है क्योंकि इसमें करेला में मैं लाल मिर्ची पाउडर नहीं डालती हूँ इसलिए। ये देखिए, मैंने गैस रख दी है और ये जो मैंने प्याज और कच्ची आमी जो चॉप करी थी उसको मैं इसमें अच्छे से भूनूंगी। इसके लिए मैं थोड़ा सा ये मस्टर्ड ऑयल डाल दूंगी। ये देखिएगा, तेल अच्छे से गर्म हो चुका है और ये मैंने जो चॉप करा था प्याज इसको मैं इसमें डाल दूंगी। और इसको अच्छे से भूनूंगी। और ये देखिए, जो कच्ची आमी मैंने चॉप कर रखी थी उनको भी मैं इसमें डाल दूंगी। और ये मैंने जो 2 हरी मिर्च ले रखी थी उनको मैं इसमें डाल दूंगी। और ये मैंने धनिया पाउडर लिया था इसको मैं 2 टीस्पून इसको डालूंगी। ये देखिएगा, और इसमें 1 टीस्पून में हल्दी पाउडर डालूंगी और 1/2 टीस्पून में इसमें नमक डालूंगी और 2 टीस्पून में इसमें ये जो मैंने ग्राइंड कर रखी थी सौंफ उसको डालूंगी। और अब मैं इस मसाले को अच्छे से भूनूंगी, जब इसका थोड़ा सा भुन जाएगा फिर इसको मैं करेले में भरूंगी अच्छे से। ये देखिएगा, करेला में भरने के लिए जो मैंने मसाला इसमें डाला था वो अच्छे से भुन चुका है। और इसको मैं एक किसी बाउल में निकाल लेंगे हम और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसको हम करेले में भरेंगे। 2 मिनट हमने थोड़ा सा मसाला ठंडा कर लिया है और हम इसको इस तरीके से भरेंगे। आप हाथ से भी भर सकते हैं, ये देखिए। और इसको अच्छे से हम दबा देंगे जो कि हम इनको जब फ्राई करें तो फिर ये निकले ना। ये देखिए इस तरीके से।
ये देखिएगा, ये करेले में मेरा सारा मसाला भर दिया इस तरीके से, थोड़ा दबा के भरा है जो निकले नहीं। और हम इनको इस तरीके से कुकर में रखेंगे और बस एक सीटी आने देंगे और हम कुकर को खोल लेंगे और फिर इसको हम फ्राई करेंगे। पानी हम इसे बहुत थोड़ा ही डालेंगे, ये देखिए इस तरीके से आप रख लीजिएगा। कुकर में आप इस तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल भी कड़वापन नहीं रहता है, निकल जाता है। पानी हम बहुत कम डालेंगे, हाफ कप बस, जो कि ये नीचे से ये देखिएगा मैंने कुकर में करेले भर के अच्छे से रख दिए थे और एक सीटी आ चुकी है। अब मैं कुकर को खोल के और इनको मैं, ये देखिएगा अच्छे से पक चुके हैं और इनको मैं अब डीप फ्राई करूंगी। ये देखिएगा इसमें मैंने 4 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है और ये मैंने कुकर में अच्छे से ये पका लिए। देखिए बिल्कुल भी मसाला बाहर नहीं निकला है। इस तरीके से आप भी पकाइए, बिल्कुल दवा है। और इसमें कढ़ाई में आप छोड़ दीजिए, इनको सिम गैस पर फ्राई करिएगा। ये देखिए बिल्कुल भी मसाला नहीं निकला है। और आप इस तरीके से कुकर में बनाएंगे तो जो लोग करेले खाना कड़वे की वजह से बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं तो वो लोग भी खाएंगे बहुत टेस्ट से, क्योंकि ऐसे बनाने में बिल्कुल कड़वापन नहीं रहता है। और करेला तो वैसे बहुत फ़ायदेमंद होता है, ये ब्लड को भी साफ करता है और बहुत चीज़ों में फ़ायदेमंद होता, पर लोग कड़वे की वजह से पसंद नहीं करते। ये देखिएगा करेले हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इनको आप सिम गैस पर ही तलिएगा, अगर आप तेज करेंगे तो जल जाएंगे। ये देखिएगा अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, ये देखिएगा हमारे भरवा करेले बनकर रेडी हो चुके हैं। और आप भी इस तरीके से बनाइएगा, बहुत टेस्टी लगते हैं और कड़वे भी नहीं लगते इस तरीके से बनाने में, और बहुत फायदा करता है, ब्लड को भी साफ करता है और शुगर को भी कंट्रोल करता है। आप भी इस तरीके से बनाइए। बाकी मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, टेक केयर।